दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर जारी है। कोहरे की वजह से इतना बुरा हाल है कि विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। इस वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, या यूं कहें कि कोहरे ने लोगों की स्पीड धीमी कर दी है। इसका असर फ्लाइट से लेकर ट्रेनों पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 30 विमानों की उड़ान पर असर पड़ा है। वहीं यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार समेत विभिन्न राज्यों से आने जाने वाले उत्तर रेलवे की दर्जनों ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट चल रही हैं। इतना बुरा हालत है कि बिल्कुल फॉग के कारण रोड में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और 2 घंटे पहले जैसे एयरपोर्ट के लिए निकलना पड़ता है आजकल 4 घंटे पहले, इसमें 2 घंटे पहले निकलना पड़ रहा है पास की रेलवे स्टेशन को भी। और कुछ भी रास्ते में विजिबिलिटी है नहीं, और जब यहाँ पे पहुँचो तो मैक्सिमम ट्रेन जो है वो भी डिले हो रही है। अभी अनाउंसमेंट हो रहा था एक कोई ट्रेन जो है वो कैंसिल हो चुकी है, रद्द कर दी गई है। तो इस तरीके में किसी को अगर इमरजेंसी में अपने घर जाना हो, कुछ मेडिकल इश्यू हो, कुछ हो, तो किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाए, और ये बहुत ही मतलब चिंता की विषय है। भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार सुबह बताया कि पूरे उत्तर भारत में शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार सुबह राजधानी नई दिल्ली के सफदरजंग इलाके में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी के पालम इलाके में तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर दिल्ली में, और पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा ही। अगर आप कंपेयर करेंगे ठंड का तो बेल्जियम में, यूरोप में, यहाँ से काफ़ी तक ज़्यादा ठंड है, लेकिन पोल्यूशन यहाँ पर इंडिया में बहुत ज़्यादा है। अगर आप प्लेन से उतरते हैं इमीडिएटली आपको वह स्मेल आ जाती है, पोल्यूशन बहुत है। अंदर भी, बाहर भी नहीं, अंदर भी, एयरपोर्ट के अंदर ही आपको स्मोक और स्मोक दिखता है। तो दिल्ली में काफी हद तक बहुत माड़े हालात बन गए हैं। दिल्ली में जमाने वाली ठंड के बीच मौसम का सबसे घना कोहरा छाया है। दिन के समय भी सड़कों पर गाड़ियों की बत्ती जली हुई है, फिर भी इंडिकेटर कोहरे की धुंध में गुम है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि यूपी, राजस्थान और बिहार के लिए ऑरेंज अलर्ट है। इस दौरान घने से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। बहुत ज़्यादा ठंड है, और मतलब मैं बोल नहीं सकता हूँ, मतलब मैं तो उतरा जब फ्लाइट से तो देखा एकदम धुंधला दिख रहा है, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा ठंड है। जब फ्लाइट डिले हुई? नहीं, फ्लाइट एकदम टाइम पे थी, बोर्डिंग एकदम टाइम पे था, कुछ सामने दिख नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा धुंधला था और फॉग भी बहुत ज़्यादा फॉग। राजधानी में ठंड के हालात को देखते हुए शिक्षा विभाग ने 15 जनवरी तक स्कूलों को बंद किया हुआ है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक सभी स्कूलों को सलाह दी गई है कि वो शीतलहर को देखते हुए 15 जनवरी तक कक्षाएं संचालित ना करें। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।